बस जी सर, हम ITS के स्टूडेंट हैं फर्स्ट प्रॉप से, और हमें ये कहना है कि आज हमारा एग्जाम था जो कि यहाँ आने के बाद हमें पता लगा पोस्टपोन हो चुका है, और एग्जाम के बारे में भी 5 दिन पहले ही बताया था कि हमारा एग्जाम लिया जाएगा क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा एग्जाम आगे हो चुका था। अब ये लोगों ने आज आके फिर से कैंसिल कर दिया सर, और अब हमें कह रहे हैं कि परसों आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसी तरह हमारे एग्जाम आगे 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 करते रह रहे हैं। अभी तक हम फर्स्ट ईयर में ही है 1.5 साल से, और सर हमारे सेकंड ईयर की फीस भी ले ली गई है, और यहाँ पे सारे बच्चे भी प्रेजेंट नहीं है। अभी हमें सेकंड ईयर को हमें आधा साल हो जाने चाहिए। एक बंदे को सर, जिन बच्चों को सिम्टम्स हैं वो बच्चे यहाँ आए नहीं है, और उन बच्चों को ये कहा गया है कि वो बच्चे बाद में सप्ली के साथ दे देंगे। आगे ही हमारा 1.5 साल आगे हो चुका है, और 3 महीने और आगे, मतलब 2 साल हम फर्स्ट ईयर में बैठे रहे। अब हम ये चाहते हैं या तो हमारे ऑनलाइन एग्जाम दिया जाए या हमें मास प्रमोशन दिया जाए। सर, मेरा नाम आयुष आरुषि है, ठीक है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज सीओडा की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर की। सर, हमारे पेपर्स होने थे, ठीक है। इन्होंने हमें 1.5 शीट दी, ठीक है। कॉलेज वालों ने हमें कहा कि आपके 4 हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, हमारे उसके रिगार्डिंग एग्जाम्स होने थे। इन्होंने सबसे पहले हमारा फर्स्ट ईयर को 1.5 साल हो चुका है अभी। जो कोर्स हमारा फर्स्ट ईयर का 1 साल में कंप्लीट होना था उसको 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है। सेप्टेम्बर में हमारा कोर्स कम्प्लीट होना चाहिए था, ड्यू टू कोविड इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा लॉकडाउन वगैरह लगा तो हम आपके पेपर्स नहीं लेंगे, हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तब की फर्स्ट वेव चल रही थी, अब सेकंड वेव चल रही है कोविड की। लास्ट टाइम से डबल केसेस आ रहे हैं, 2 लाख केसेस क्रॉस हो गए हैं जम्मू के, इतने केसेस आ रहे हैं। अब हमें ये पेपर देने के लिए यहाँ कॉलेज में बुला रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी में सेंटर बनता था, वहाँ के केसेज आने लगे, ठीक है। वहाँ केसेज आने लगे, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बंद कर दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी बच्चे जिनका भी वहाँ सेंटर बनता था, जैसे LLB वाले हो गए, M.Com वाले हो गए, उनकी उन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कर दिए। आधों को उन्होंने बोला कि आपके पेपर अभी पोस्टपोन हो गए फिलहाल के लिए। बट MBBS वालों के और BDS वालों के हम पागल दिखते हैं, हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा हम जम्मू यूनिवर्सिटी में आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, आप यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आके अपने पेपर दो यहाँ के एग्जामिनेशन हॉल में। ये यहाँ का आप खुद समझो, इतना कोरोना चल रहा है, क्या ये हॉटस्पॉट नहीं होगा मेडिकल कॉलेज? यहाँ पे हमारा सेकंड फ्लोर पे एग्जामिनेशन चल रहा है, नीचे यहाँ पे RT-PCR टेस्ट हो रहा है एंड रैपिड एंटीजन, सारे मोर देन 150 बच्चे हैं सर यहाँ पे। अब आपकी डिमांड, हमारी डिमांड ये है कि हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन दो, हम कोविड में पेपर नहीं देने आ सकते, और ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ आपको, आपने हमें 1.5 शीट दी है उसके अकॉर्डिंगली हम पेपर देने यहाँ पे आए, एंड आप वो एंड मोमेंट पे पोस्टपोन कर दो। घर से सारे सर कितने बच्चे निकल के आ रहे हैं, आधे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करके आ रहे हैं, आधे कहीं से आ रहे हैं। क्या हमको पता है किसको कोविड है किसी को नहीं? इन्होंने हमारे टेस्ट भी तो नहीं लिए हैं कि हाँ किसको कोविड है या किसको नहीं है। अब हम में से एक लड़की है उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, वो कोविड पॉजिटिव निकली तो वो पेपर देने नहीं आई है, ठीक है। उसने अपने आप को, उसको बहुत सिम्टम्स हो रहे थे, वो पेपर देने नहीं आई है। अब सोचो इनमें से ही हमारे कितने बच्चे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा पेपर ऑनलाइन एग्ज़ाम, मतलब ऑनलाइन मोड पे हो, या तो हमें मास प्रमोशन।